पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। मुझे मालूम है कि आप सभी ने पूरे हफ्ते मेरा इंतजार किया है। चलिए अब इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और आज के इस एपिसोड में हम देश के ऐसे जिले में आपको लेकर जा रहे हैं जहां की जमीन पथरीली होने की वजह से ना तो ठीक से खेती हो पाती है और ना ही अच्छे संसाधन है। लोग मेहनत मजदूरी पर ही अपना गुजारा करते हैं और शायद यही वजह है कि इस जिले की साक्षरता दर काफी पिछड़ी हुई थी। ये वो जिला है जो 2001 के आंकड़ों के मुताबिक पिछड़ी साक्षरता दर में आता है। हम बात कर रहे हैं राजगढ़ जिले की जो मध्य प्रदेश में स्थित है। 1991 के आंकड़ों के अनुसार इस जिले की साक्षरता दर मात्र 31.81 थी, जिसमें महिलाओं की दशा काफी खराब थी। महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 15.62% थी, जो 2001 में बढ़कर 37.37 पर ही पहुंच सकी। पुरुषों की साक्षरता दर बेहतर थी, मगर इस जिले को पूर्ण साक्षर करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी था। इसी जिले के एक गांव लसूलिया खैराज में जमनालाल बैरागी ने जिले में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए अपना जीवन ही साक्षरता को समर्पित कर दिया। मगर ये सब उन्होंने क्यों किया? निरक्षरों को साक्षरता की ओर लाने के लिए किस बात ने उन्हें उकसाया जिसके कारण उन्होंने साक्षरता को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया? ये सब हम आपको बताएंगे और आपको मिलवाएंगे जमनालाल बैरागी से। बचपन से पारिवारिक आर्थिक अभावों से जूझते हुए कोई इंसान गांव में मवेशियों को चराने के कार्य से लेकर महानगर में होटलों एवं दुकानों तक में श्रमसाध्य कार्य करे सिर्फ अध्ययन की खातिर और उसके बाद अपनी स्नातकोत्तर उपाधि MA प्राप्त करने के बाद निकल पड़े फिर एक बार अपने गांव की ओर अपने जैसे अभावग्रस्त बचपन को ढूंढने और उन्हें शिक्षित करने, तो यकीनन उस व्यक्तित्व को मसीहा ही कहा जा सकता है। यही मसीहाई छवि देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गांवों कस्बों में। कभी साइकिल पर तो कभी पैदल स्कूल दर स्कूल, गांव दर गांव शैक्षिक प्रेरणा भरे गीतों को गुनगुनाते हुए श्री जमनालाल बैरागी के रूप में। जमनालाल बैरागी नामक ये युवक राजगढ़ जिले के शैक्षिक परिदृश्य में आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। समूचे जिले के विद्यालयों में शिक्षकों, गुरुजनों एवं गांवों के बच्चों से उनके अपने स्नेही संबंध हैं। जमनालाल बैरागी का जीवन किसी मसीहाई कथा का ही अंश लगता है। आज वो साक्षरता के कार्यक्रमों से जुड़कर गांव-गांव भ्रमण कर लोगों को साक्षरता के महत्व समझा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन का मकसद ही लोगों को शिक्षित करना बना लिया है। दिल में ये हसरत थी कि किसी भी तरह अपने जैसे हजारों लोगों के लिए कुछ जरूर करूंगा। जो मुफलसी और गरीबी मैंने देखी और सही है वो कोई और ना सहे, उसके लिए साक्षर होना बहुत जरूरी है। साक्षरता के बगैर आप शायद दो कदम भी सलीके से न उठा सकें। इसी को सोचते हुए अपना जीवन साक्षरता को समर्पित करते हुए निस्वार्थ भाव से गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले लोगों को साक्षरता के प्रति जागरूक करने का जो अभियान इन्होंने कई वर्ष पूर्व छेड़ा था वो आज भी निरंतर चलता जा रहा है। उनकी कलम जब भी उठी तो एक ना एक साक्षरता गीत जरूर निकला। न जाने कितने ही साक्षरता गीत उनकी कलम से तर होकर लोगों के कानों और जहन तक पहुँचे हैं, और कोई भी ऐसा गीत नहीं है जिसे उन्होंने अपनी आवाज से न सजाया हो। ऐसा लगता है जैसे जमनालाल बैरागी और साक्षरता कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। घर में चटनी रोटा को टोटो पड़ियो, घर में चटनी रोटा को टोटो पड़ियो, घर में चटनी। आज क्षेत्र में कोई ऐसा गांव देहात बाकी नहीं है जहां जमनालाल बैरागी के गीत न गूंजे हों या फिर उन्होंने कक्षाएं न ली हों। जमनालाल बैरागी की जो सबसे अहम चीज है वो ये कि वो जमीन से जुड़कर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
गांव की भाषा में गीत लिखकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। गांव में मैं जब गया तो प्रचलित लोक धुनों पर और क्षेत्रीय भाषा में, मालवा की अपनी जो भाषा है, उन लोगों की जो भाषा है, उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में, उनके रीति रिवाज में, उनके बोलचाल में, उनके रहन सहन में मैं ढल गया। लोगों से पहले मेरा आत्मीय जुड़ाव हुआ, उसके बाद में मेरी बात जब मैंने कही तो उनको धीरे धीरे मानने लगे। जमनालाल बैरागी शिक्षा को ही सफलता का हथियार मानते हैं। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, जीवन यूं ही अंधकार में व्यतीत करते रहेंगे। मुझे लगा कि साक्षरता एक चीज है कि जो मनुष्य के जीवन को बदल सकती है। साक्षरता से ही व्यक्ति गरीबी मिट सकती है, साक्षरता से ही व्यक्ति के शोषण से मुक्ति हो सकती है। क्योंकि यदि व्यक्ति साक्षर होगा, यदि व्यक्ति जानकार होगा, तो वह जीवन में कहीं से कहीं भी मतलब रुक नहीं सकता है। मगर ये सफर इतना आसान नहीं था जिस पर बिना दृढ़ निश्चय और संकल्प के एक भी कदम उठाया जा सके। न जाने कितनी ही तकलीफें और संघर्ष कर इस मकाम को पाया है इस इंसान ने। न जाने इन्होंने वक्त के कैसे कैसे थपेड़े सहे हैं। शिक्षा को पाने के लिए न जाने कहां कहां दर दर की ठोकरें खाई हैं, लोगों के ताने सुने हैं, मजदूरी की है। एक वक्त ऐसा आया जब ये दूध बेचकर गुजारा करते, मगर इन्होंने अपने हौसलों में कभी कमी नहीं आने दी और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। सबसे बड़ी जो रुकावट थी ये थी कि लोग मेरी बातें सुनते नहीं थे, मुझे ताने मारते थे कि बेचारा पढ़ लिख गया, वो तो बेरोजगार है, इसलिए गांव-गांव में भटक रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, लोगों के जो पर्सनल काम थे, उनके निजी काम में मैं हाथ बटाने लगा, उनके दुख दर्द में शामिल होने लगा, तो लोगों को मेरी बात समझ में आने लगी। इन्होंने कभी अपनी रफ्तार को धीमा नहीं होने दिया। साक्षरता के लिए इस क्षेत्र में जिला साक्षरता समिति के सहयोग से जमुना लाल बैरागी जो कार्य कर रहे हैं, उसका शायद कोई मूल्य नहीं है। आज कोई भी गांव में इनके नाम से अनजान नहीं है। गांव में साक्षरता कक्षाओं में अपने गीतों से इन लोगों को मंत्रमुग्ध करते इन्हें देर नहीं लगती और देखते ही देखते जमुना लाल बैरागी के नाम की गूंज सुनाई देती है। जमुना लाल बैरागी ने अपने गीतों में हमेशा सरल और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया है, जो कि लोगों को समझते देर नहीं लगती। जैसे ब्यावरा तहसील में ग्राम दूधी है, तो ग्राम दूधी है तो वहाँ के लोगों को उनकी भाषा में समझाया, और जो भी अपराध करते थे तो उसके दुष्परिणाम उनके बारे में उनको समझाया, ये गीत भजनों के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से, और उनके जो साथ में जो गंदगी है तो उनके साथ साफ सफाई करना मैं खुद अपने हाथ से मैंने करा। उसके बाद उनसे मीटिंग लेना, बैठक लेना, और उनके साथ में जुड़ के रहा, तो लोगों को मेरी बात समझ में आने लगी। जमुना लाल बैरागी के गीतों की गूंज गांव-गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजगढ़ स्थित जिला कारागार में भी जमुना लाल बैरागी की साक्षरता गीतों की गूंज सुनाई देती है। वो जेल में चल रहे साक्षरता कार्यक्रमों में गति देने और कैदियों को साक्षरता से होने वाले परिवर्तनों को बताने के लिए जेल में जाकर अपने गीतों से कैदियों में साक्षरता की अलग जगाने का कार्य कर रहे हैं। जमुना लाल बैरागी का कार्य करने का अपना ही तरीका है। इनके गीतों का असर हर व्यक्ति पर हो, उसके लिए पहले ये स्वयं गाते हैं, उसके बाद लोगों से गाने को कहते हैं, और ये समाज देखते ही बनता है। ये व्यक्ति निस्वार्थ ही समाज की सेवा में लगे हैं, और आज तक इन्होंने किसी से कोई उम्मीद नहीं की है। बस लोगों के मुंह से निकले कुछ तारीफ के अल्फाजों को ही ये अपना इनाम समझते हैं। इस क्षेत्र में इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को वक्त वक्त पर अनगिनत सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी से नवाजा जा चुका है। अक्सर उन्हें देख कर ये अपने किए कार्यों को याद जरूर कर लेते हैं, जिससे इन पर कभी भी वक्त की धूल न चढ़ने पाए। ऐसे लोग इस जहां में बहुत कम हैं, जो दूसरों की आंखों से सपने देखते हैं। इन्होंने उन लोगों को सपने दिखाए जो न जाने कब से इन ख्वाबों को दफन कर चुके थे। जमुना लाल बैरागी का पसीना जाया नहीं जाएगा। इन्होंने जो सपने देखे हैं, वो जरूर पूरे होंगे, जब देश के हर गांव का बच्चा बूढ़ा साक्षर होगा। बस जरूरत है कुछ और मुट्ठी भर जमुना लाल बैरागी जैसे लोगों की। जमुना लाल का समर्पण तो देखते ही बनता है। आज ये इंसान साक्षरता के नाम से ही पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में साक्षरता का जिक्र होते ही जमुना लाल बैरागी का ख्याल दिलो दिमाग में सबसे पहले आता है।
लेकिन क्या आपको पता है कि साक्षरता दर में पिछड़ा एक ऐसा ही जिला पलामू जो झारखंड में स्थित है। ये जिला भी निम्न साक्षरता दर की मार झेल रहा था। खास तौर पर महिला साक्षरता दर काफी पिछड़ी हुई है। 2001 के आंकड़ों को ही ले लीजिए, इसके अनुसार महिला साक्षरता दर केवल 30.5% थी, जो जिले की निरक्षरता को साफ दर्शाती है। दंगबार एक गांव जो बसा है सोन नदी के किनारे और घिरा है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से। इसी गांव की एक लड़की जो गरीबी में पली बढ़ी, तीन बहनों में से एक प्रतिभा कुमारी। प्रतिभा में भगवान ने नाम के मुताबिक ही बहुत सारी प्रतिभा भर कर भेजी थी। प्रतिभा बचपन से काफी होशियार थी। घर की माली हालत ठीक न होने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शिक्षा को हासिल करने के लिए नानी नाना के घर का सहारा लिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अपने गांव वो लौटी तो यहाँ की स्थिति देखकर उसका मन भर आया। यहाँ लोग आज भी अंधकार में जिंदगी बसर कर रहे थे। अंधविश्वास जैसी समस्या पूरे गांव में एक महामारी की तरह फैली हुई थी। ये सब देखकर प्रतिभा के दिल को एक ठेस सी लगी और उसने अंधविश्वास, अशिक्षा जैसी बुराइयों से लड़ने का फैसला किया और अपने गांव में जागरूकता लाने और ग्रामीणों को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर लाने का फैसला किया। उसी दौरान प्रतिभा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ गई और इस अभियान के जरिए अपने गांव वालों के आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू की। प्रतिभा ये बखूबी जानती थी, ये कल तभी बेहतर हो सकता है जब मेरे गांव की हर महिला साक्षर हो, और उसने साक्षरता के प्रति लोगों में अलख जगाने का काम शुरू किया और गांव की एक एक महिला के पास जाकर उन्हें समझाना शुरू किया। लोग तो पहले समझ ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि अब हम पढ़कर क्या करेंगे, अब हम लोग को पढ़ने से क्या फायदा। फिर हम उनको समझाए काकी पढ़ने से अभी भी आप संभल जाइए, अभी भी आप पढ़िएगा तो बहुत फायदा होगा। कहीं आप जाती हैं बैंक में खाता खुलवाने तो अब बैंक में ठेपा अंगूठा लगाने से खाता नहीं खुल रहा है, तो उनको समझाए कि जब आप बैंक में जाती हैं तो आपको वहाँ पे लज्जित होना पड़ता है। ये काम आसान तो बिल्कुल नहीं था, मगर प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए गाँव की महिलाओं को साक्षरता के महत्व को समझाना जारी रखा। उन्हें उनकी हकीकत का आईना दिखाया कि आप लोग किस युग में जी रहे हैं। प्रतिभा की बातों का असर गांव वासियों पर दिखाई दिया। एक एक करके महिलाओं ने कक्षा में आना प्रारंभ किया। देखते ही देखते ये तादाद बढ़ती चली गई और प्रतिभा ने कक्षाओं का संचालन करना शुरू किया। इन कक्षाओं को बड़े ही जोर शोर से शुरू किया गया और प्रतिभा गांव की हर माता बहन और चाची भाभी सभी को कक्षाओं तक लाने में सफल हुई। आज गांव में ये कक्षाओं को तो सफलतापूर्वक चला ही रही हैं। उसके साथ साथ प्रतिभा ने अपना लक्ष्य उन्हें बनाया जो अब भी साक्षरता के महत्व से अनजान थीं। इसके लिए उन्होंने सहारा लिया अपने बचपन के शौक का। वो शौक था नाटकों में हिस्सा लेना। प्रतिभा ने स्वयं नाटक लिखने शुरू किए और पूरे गांव में अपनी हम उम्र लड़कियों को जोड़कर उन नाटकों का मंचन शुरू किया। प्रतिभा के लिखे हुए हर नाटक का पहलू समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ था। उसके नाटक का हर शब्द गांव में फैले अंधविश्वास, निरक्षरता के कारणों से होने वाले नुकसान, कम उम्र में लड़कियों की शादी जैसी बुराइयों से पिरोया हुआ होता था। इसके साथ ही प्रतिभा ने साक्षरता गीत लिखने शुरू किए और गांव की अपनी उसी टोली के साथ गांव में जगह जगह उनको गा गा कर लोगों को साक्षरता के महत्व को समझाने का कार्य शुरू किया। इनके इस रूप को देखकर गांव वासियों में साक्षरता के प्रति एक अलग जगी और ये अलग दिखाई दी साक्षरता कक्षाओं में, जहां महिलाओं की गिनती दिन ब दिन बढ़ने लगी। पलामू जिला के अंदर साक्षरता अभियान को चलाना
ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था उसमें, क्योंकि यह जिला में एक नक्सल का समस्या हमारे साथ में बहुत ज़्यादा था, दूसरा है निरक्षरता बहुत ज़्यादा था, गरीबी बहुत ज़्यादा था, वैसे निरक्षरता और गरीबी एक दूसरे का पूरक है। लेकिन बावजूद इसके हम लोग इस मुश्किलों को सामना करते हुए यहाँ के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, प्रशासन के लोग, सारे लोगों से बातचीत करके हमने इस अभियान को संचालित किया। छोटे बड़े सब इन साक्षरता कक्षाओं में अपनी भागीदारी देने लगे, मगर ये सब मुमकिन हुआ प्रतिभा की मेहनत और लगन के चलते। ये उस लड़की का जज्बा है जो एक किसान के घर में जन्मी और पली बढ़ी, जहां दो वक्त की रोटी के लिए भी कड़ी मेहनत मशक्कत करनी होती है। घर में पिता के बाद वो सब में बड़ी है। कमाई का कोई साधन न होने के कारण स्वयं कुछ करना चाहती है, जिससे अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अंजाम दे सके। उसने अपनी इस छोटी सी उम्र में जो हासिल किया है, उसके लिए बुलंद हौसलों की जरूरत होती है। उसके हर कार्य में उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण की छाप मिलती है। वो अपने गांव की हर निरक्षर महिला को साक्षर कर एक आत्मविश्वास से भरना चाहती हैं, जिससे आने वाले भविष्य में हर महिला प्रगति की ओर कदम बढ़ाए और अपने परिवार और बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे सके। मैंने हमरा तो पढ़े से लगला का अच्छा साक्षरता अच्छा बा, सबके सामाजिक बा, मैंने सबके पढ़ाई खाती बा कि मैंने हाँ ग्रुप में रहे खाती, मैंने समाज में रहे खाती। अब तो हम समाज में जाए तो कोई पूछे कि तुहरा नाम का हवा, तो हम कह दे हमारा नाम बस सुशीला देवी, तो तुहरा लिखिया वाला बा, तो हाँ लिखिया वाला, लिख के तुरंत दिखा दे। प्रतिभा को हम लोग बहुत साहस दिए, प्रतिभा आप एक अच्छी लड़की है, इतना पढ़ी लिखी भी है और अपना अपने से नाटक उटक भी बना लेती है, जो चाहती है बना लेती है, और बहुत अच्छा उसका विचार भी रहता है, और हम लोग को भी प्रति बहुत अच्छा ध्यान भी देती है। हम लोग भी उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे की ओर जाइए, हम लोग का भी गांव का नाम रोशन होगा। संपूर्ण साक्षरता अभियान से जुड़कर प्रतिभा ने आज गांव की न जाने कितनी महिलाओं को साक्षर किया है, और अभी उनका ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ है। आज वो उच्च साक्षरता कार्यक्रम में भी हिस्सा लेकर इस अभियान को चालू रखे हैं। अगर ऐसा ही जज्बा हर इंसान अपने दिल में रख अपने आस पड़ोस गांव देहात में निरक्षरता को दूर करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा ले, तो हम एक बेहतर समाज की नींव रख सकते हैं, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम विश्व की बड़ी शक्तियों में शामिल होकर देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं। बस जरूरत है हमें जागने की, निरक्षरता जैसे अंधकार से निकलकर साक्षरता जैसे उजाले की ओर आने की। प्रतिभा ने तो अपनी भागीदारी देकर सोए हुए लोगों की नींद तोड़ने की कोशिश की है, क्यों ना हम भी एक दो कदम आगे आकर ऐसी ही कोशिशें करें, जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी कुछ भला कर सकें। अब हम आपको सैर कराते हैं बिहार के एक ऐसे जिले की जो बहुत पहले से निरक्षरता से दो चार हो रहा था, मगर साक्षरता के माध्यम से कैमूर जिले के गांव की एक ऐसी महिला सामने आई जिसने न सिर्फ अपने आप को साक्षर किया, बल्कि उसने पूरे गांव में एक उदाहरण पेश करते हुए वार्ड कमिश्नर का चुनाव भी जीता। सुशीला ने कैसे अपने सफर को आगे बढ़ाया, क्या क्या उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आए, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं उनके गाँव दुमदुम। देश की साक्षरता पर गौर करें तो मालूम होगा कि साक्षरता दर में हिंदुस्तान का नाम पूर्ण साक्षर देशों में नहीं आता, फिर भी हमारे द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से साक्षरता दर में काफी बढ़ोतरी हुई है, मगर बमुकाबले पुरुषों की महिलाओं की साक्षरता अभी कम है। इसी कड़ी में बिहार का नाम भी शामिल है जो महिला साक्षरता में काफी पीछे है। अगर 2001 के सेंसस पर नजर डालें तो मालूम होगा कि महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 33.12 रहा है। मतलब साफ है कि महिलाओं को शिक्षा की ओर लाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बिहार के भभुआ जिले की एक ऐसी ही महिला हैं सुशीला देवी, जो ग्राम दुमदुम की रहने वाली हैं। बचपन में किसी कारण स्कूल नहीं जा सकी थी, जिसके कारण वो निरक्षर रह गईं। जीवन की गाड़ी पटरी पर थी, मगर जब घरेलू जिंदगी आई और सामाजिक चीजों से वास्ता पड़ा तो उन्हें अपने निरक्षर होने का एहसास हुआ। अशिक्षित रह जाने की कीमत न जाने कितनी बार उन्हें शर्मसार होकर चुकानी पड़ी। उन्हें ये एहसास था कि काश मैं पढ़ पाती, मगर गृहस्थ जीवन में वो ऐसी उलझी कि वक्त ही नहीं मिला। उसके साथ उम्र का लिहाज कर कभी साक्षरता की तरफ कदम भी वो नहीं उठा सकी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जब जनवरी 1999 में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई,
तो दुमदुम गांव में भी साक्षरता केंद्र खोला गया। इसका उद्देश्य था निरक्षर पुरुष और महिलाओं को साक्षर करना। गांव की ही एक साक्षर महिला गीता कुमारी ने प्रेरक की जिम्मेदारी लेते हुए केंद्र का संचालन करने की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 10 महिला को आपको पढ़ाना है। हम बोले कि ठीक है, हम पढ़ाएंगे। ये भी बताया कि कुछ मिलना उलना उसमें नहीं है। तब बोले कि ठीक है, हम पढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पर महिला को निकालने में कुछ कठिनाई हुई। घर घर जाकर उन लोग बोलेगा अरे कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग क्या पढ़ें। लेकिन उन लोग को बहुत समझाना पड़ा कि पढ़ने से बहुत फ़ायदा है, पढ़ने से आप लोग पढ़ेंगी तो हर चीज़ समझ सकती हैं। बैंक जाएंगी तो वहाँ पर लिख पढ़ कर अपना पैसा उसा जो है देख सकती हैं, कितना हम दिए कितना लिए। फिर यहाँ पर घर में पढ़ी लिखी रहेंगी तो अपने बाल बच्चा को पढ़ाएंगी। तब उन लोग ने 10 महिला निकली। इस दौरान साक्षरता कक्षाओं में सबसे पहले अपना नाम दर्ज कराने वाली अगर कोई महिला थी तो वो थी सुशीला देवी। सुशीला देवी ने गीता कुमारी के साथ मिलकर गांव की बाकी महिलाओं को साक्षर करने और केंद्र तक लाने का भरसक प्रयास किया और ये लोग अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हुए। जब सुशीला देवी ने कक्षाओं में जाना प्रारंभ किया तो एक एक करके और महिलाओं ने भी हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे साक्षरता केंद्र पर भीड़ बढ़ती चली गई। गांव की ज्यादा से ज्यादा निरक्षर महिलाएं साक्षरता केंद्र पर आने लगी। पढ़ने पढ़ाने का ये सिलसिला चल निकला, मगर गांव की महिलाओं को साक्षरता केंद्र तक लाना आसान बिल्कुल नहीं था। किसी में संकोच था तो किसी को उम्र की परवाह, तो कोई ये कहता था कि इस उम्र में पढ़कर क्या होगा। मगर सुशीला देवी ने अपना उदाहरण देते हुए महिलाओं को समझाया और महिलाओं को बात समझ भी आई। साक्षरता कक्षाओं का अपना ही समा था। साक्षरता को लेकर महिलाओं में एक अजब सा जोश था। अब गांव-गांव घूमकर ये महिलाएं साक्षरता के प्रति निरक्षर पुरुष और महिलाओं को साक्षरता के प्रति जागरूक कर रही थी, कभी गीतों के माध्यम से तो कभी भाषण का सहारा लेकर। गाना के माध्यम से निकालने की कोशिश मैं की। फिर 4 महिला निकली, उसके बाद 5 महिला निकली, उसके बाद 10 महिला निकली, 10 के बाद 15 महिला निकली। इसी तरह निकलते निकलते हम लोग बैठक करने लगे हर जगह, हर चौराहे पर, हर गांव में। यहां से हम बल्कि दूसरे गांव में भी जाकर हम लोग बैठक किए। अपना जितना हम लोग भीटी थे दूसरे गांव बगल में सारंगपुर है वहां फिर भी बैठक किए, बगल में पलका है वहां भी बैठक किए, वहां भी निकालने के लिए महिला कोशिश किए, वहां भी निकल चुकी है महिला। पूरे गाँव में साक्षरता की गूंज दिखाई दी। अब हर घर की महिला शिक्षा से होने वाले बदलाव को महसूस करना चाहती थी। हर महिला एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दिखी। उसी में से एक थी सुशीला देवी, जो साक्षरता केंद्र पर जाकर बड़ी ही रुचि से पढ़ती। महिलाएं साक्षरता केंद्र पर तो कभी घर के आंगन में कक्षा लगाती थी, तो कभी गाने बजाने के लिए किसी और जगह को चुनती थी। मकसद एक ही था कि किसी तरह गांव की निरक्षर महिलाओं को साक्षरता की ओर लाया जा सके। सुशीला देवी को साक्षर होते ज्यादा समय नहीं लगा, कुछ ही दिनों में वो पढ़ना लिखना सीख चुकी थी। उनमें आए बदलाव साफ दिखाई दे रहे थे। अब वो एक जागरूक और आत्मविश्वास से भरी महिला नजर आ रही थी। इस साक्षरता में आने के बाद मैंने कहीं भी जाते हुए, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे किसी गांव में समूह बनाना हो, चाहे किसी पदाधिकारी से बात भी करना है, मैं आसानी से कर लेती हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और गाँव में जहाँ महिला का मीटिंग भी करती हूँ समूह के द्वारा, उसमें भी बताती हूँ भी। अब मुझे इतना जागृति हो गया है कि बताती हूँ कि देखिए, एक पढ़ने लिखने का एक मतलब नहीं केवल हमको किताब का ज्ञान हो जाए, हमको ये भी है कि किताब के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक भी ज्ञान होना जरूरी है सामाजिक। सुशीला देवी ने साक्षरता केंद्र से पढ़कर वर्षों से दिल में दबे अरमान को पूरा तो किया ही, साथ ही पूरे गाँव की महिलाओं को साक्षरता के महत्व को समझने और साक्षरता से होने वाले फायदों को गिनाना नहीं भूलती। इसमें उनके अपने परिवार ने पूरा साथ दिया। आज परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर जरूर है, मगर उन्होंने अपनी दिनचर्या में एक बहुत ही अच्छा सामंजस्य बिठा लिया है। आज सुशीला देवी साक्षर हो चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और कामयाबी हासिल की, जिसका बिना साक्षर हुए मुमकिन हो पाना मुश्किल था। गाँव में ही उन्होंने वार्ड मेंबर का चुनाव जीत कर वार्ड मेंबर का पद हासिल किया। आने के बाद बहुत से मैंने वार्ड कमिश्नर से भी खड़ा हूँ, उसमें जीती, उसमें भी उसमें है कि मुखिया के साथ बैठक होती है, बैठक में आधा
महिलाओं की भागीदारी जरूरी होती है, तो उसमें सब हम लोग महिला को जितने यहाँ के 3-4 है पंचायत में, माने 4-5 महिला जो जीती हुई हैं, सबको आग्रह कर कर उत्तेजित तो बैठक में भी भाग लेती हूँ। अपना सब है कि गांव में गली है, नाली है, चौपागल है, कैसे कैसे बनेगा। सुशीला देवी को ये सब एक सपने जैसा लगता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी घर की जिम्मेदारियां पूरी करने में निकाल दी, उसके बावजूद आज वो साक्षर हुई। अपनी मेहनत और लगन तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा दिए गए प्लेटफॉर्म के जरिए सुशीला जैसे न जाने कितने निरक्षर पुरुष और महिलाएं अपने खोए बचपन को इन साक्षरता कक्षाओं में आकर तलाश रही हैं, उस वक्त को जीने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सालों पहले वक्त के नाजुक हालात निकल गए थे, मगर आज ही अपने ख्वाबों को सच का जामा पहनाने में कामयाब हो रहे हैं। साक्षरता केंद्र यूं ही अपने मकसद को कामयाब करने में लगे रहे तो वो दिन बहुत जल्द आएगा जब सब निरक्षरता जैसे अंधकार से निकलकर साक्षरता जैसी रोशनी में अपने आप को पाएंगे। सुशीला ने तो अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया है, बस अब बारी है आपकी। सुशीला से प्रेरणा लेकर हर निरक्षर साक्षर हो सकता है यदि हम अपने कल से सबक लेते हुए साक्षर होने का प्रण कर लें, क्योंकि महिला का साक्षर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि घर का स्कूल अगर किसी को कहा जाता है तो वो घर की महिला ही होती है। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों, कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है, मंजिलें और भी हैं, मंजिलें